गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आपका 20 जून 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या स्पोर्ट्स में न्यू है और क्या है इकोनॉमिक्स में हमारे दुनिया में और देश में फेरबदल। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूँ कि मेंस की सीरीज हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा करंट अफेयर की सीरीज जो आपके सामने ही है और जो आज के दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना घटित हुई है, मतलब कि आज का इतिहास जो पहले घट चुका है, तो उसके बारे में भी जानकारी के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलेगा। और जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को हाल ही में कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मतलब कि इसे UNSC का अस्थाई सदस्य चुना गया है, तो ये चुना गया है 8वीं बार भारत को। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं, जबकि भारत को अस्थाई सदस्य चुने जाने के लिए केवल 128 वोट ही चाहिए थे और 8th बार इनको चुना गया है सदस्य, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने हाल ही में चीन की सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के साथ कितने करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया करने का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय लिया है 471 करोड़ रुपए का, जिसे वर्ष 2016 में रेलवे ने इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बस कुछ समय पहले BSNL ने भी 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने का यहाँ फैसला किया है, मतलब कि भारत सरकार ने पूरी तरह से चाइना को बाइकॉट यहाँ करने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है, तो ये दी है तमिलनाडु कैबिनेट ने। तमिलनाडु कैबिनेट ने कहा है कि ये आरक्षण केवल 10% जो आरक्षण है सरकारी स्कूल के छात्रों पर ही लागू होगा और जो निगमों की नगर पालिकाएँ हैं, जनजातीय कल्याण और कल्लार पुनर्वित्त स्कूल हैं, वन विभाग के स्कूल हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे स्कूल इसमें सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2019 में सबसे अधिक FDI पाने वाला कौन सा देश बन गया है, तो सबसे ज़्यादा FDI पाने वाला भारत 9वां देश बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2019 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका पाने वाला 9वां देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सेना के शहीद परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा के 2 गुना करके 50 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ये पहले 25 लाख रुपए थे और योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में इसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, तो पहले हुआ था ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए, अब फिलहाल में हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसको अपराध मानने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, और क्योंकि पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग के बहुत ज़्यादा मामले सामने आए थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है झारखंड में। झारखंड में इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। अगर हम झारखंड की बात करें तो इसकी राजधानी है रांची, इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू, नेशनल पार्क यहाँ पे है बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क और धीमा नेशनल पार्क। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश 4थे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 आने वाला है उसकी मेजबानी करेगा, तो ये करेगा बहरीन। बहरीन जो है एशियाई युवा पैरा गेम्स के 4थे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित यहाँ पर किए जाने की घोषणा की गई है। बहरीन की अगर हम बात करें तो बहरीन की कैपिटल है मनामा, यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार और प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? तो ये की है इन्होंने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर। मारुति बैंक के सहयोग से कंपनी के वैन इको मॉडल को छोड़कर सभी मॉडलों पर 6 महीने के हॉलीडे पीरियड के लिए खरीदारों को कार की ऑन रोड कीमत का 100% लोन मुहैया कराएगी। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो इसके सीईओ हैं केनिची आयुकावा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है? तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि और डेजर्ट, तो राजस्थान राज्य ने ये शुरू किया है। राजस्थान ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज, एंटी जासूसी ऑपरेशन है ये। और अगर हम राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ की इसकी कैपिटल है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। राज्यसभा की लोकसभा में सीटें हैं 25, राज्यसभा में इसकी 10 सीटें हैं और विधानसभा में इसकी 200 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में रज पर्व, जिसे राजा पर्व भी कहा जाता है, मनाया गया? तो ये मनाया गया उड़ीसा राज्य में। 3 दिनों तक चलने वाला ये रज पर्व बहुत ही अनूठा त्यौहार है जिससे मानसून की शुरुआत और धरती माता की यहाँ विशेष रूप से पूजा की जाती है। उड़ीसा राज्य की अगर हम डिटेल की बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, इसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है सावित्री राठौर जो कि अभी अभी बनी है, इसको भी मैंने न्यूज़ में लास्ट टाइम कवर किया था। उड़ीसा नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और यहाँ बांध है इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पे, हीराकुंड महानदी पे और जीआई टैग है यहाँ पे कोणार्क पत्थर की नक्काशी, पट्टाचित्र और गंजम केवड़ा फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य ने। ये कोरोना के प्रचार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग और साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। कर्नाटक की अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ इसकी राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुप्पा, राज्यपाल यहाँ के हैं भाईवाला और नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसे नगरहोल नेशनल पार्क भी बोलते हैं, बांध अगर यहाँ पर देखें तो ये है अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, वाणी विलास सागर वेदवती नदी पर और सुपा बांध काली नदी पर। जीआई टैग अगर हम देखें तो यहाँ चन्ना पटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन और मैसूर जैस्मिन यहाँ के प्रसिद्ध जीआई टैग हैं। तो आज की करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही अपने कमेंट और प्यार मुझे देते रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।